तो दोस्तों, कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम इस चैनल के माध्यम से पूरे भारत में यदि कोई भी सरकारी नौकरी के संबंध में किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी डिपार्टमेंट में यदि नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, तो उससे हम आपको सबसे पहले अपडेट रखेंगे। एक शब्द में कहूँ, आपका सपना है सरकारी नौकरी करना, आपका सपना है सरकार का नौकर बनना, तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उन सभी की जानकारी देते रहेंगे। ठीक है, अभी हमने वीडियो बनाया था UP SSC जो PET का एग्ज़ाम था, जो अभी हाल ही में 24 सितंबर को हुआ था, जिसकी दोनों की दोनों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। तो उसका हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया था, और उस कट ऑफ का जो वीडियो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑफिशियल आंसर की कब जारी की जाएगी। देखो, जब एडमिट कार्ड जारी किया गया था तब अनाउंस किया गया था कि पेपर के 24 घंटे के अंदर अंदर ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं की गई है। लेकिन ध्यान रहे, आज शाम 5 बजे तक ऑफिशियल आंसर की आने का पूरा पूरा चांस है। ठीक है, आज शाम 5 बजे तक ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी जाएगी। उसके तुरंत बाद फिर से हम एक नया वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम लोगों के रिव्यू लेंगे कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं ऑफिशियल आंसर की के बाद में। ठीक है, और फिर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाएंगे। इसी के अलावा मैं बता दूं कि इसका फिर एग्ज़ाम का जो ये PET का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखो, आंसर की तो आज शाम तक आ जाएगी, रिजल्ट है वो सितंबर के लास्ट तक आएगा। ठीक है, सितंबर का जो अंतिम समय रहेगा उस टाइम आएगा, तो हम कह सकते हैं 20 सितंबर के बाद में इसका रिजल्ट आ जाएगा। कब? 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में इसका कभी भी रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कब आता है? ऑफिशियल आंसर की चेकिंग के बाद में। ऑफिशियल आंसर की जब आप चेक कर लोगे, तो उसके बाद में हम इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ का और फिर से एक वीडियो बनाएंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन का डेट है जो कब ओपन होगा, ऑब्जेक्शन डेट जो पोर्टल है वो कब ओपन किया जाएगा। इसके अलावा यदि इस वैकेंसी के संबंध में कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है, वो चाहे फिर कैसा भी हो, और आप हर एक नोटिफिकेशन से अपडेट रहना चाहते हो, तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसके अलावा कुछ इस तरीके से खबर भी फैली हुई है कि PET में शामिल सॉल्वर और अभ्यर्थी दबोचे गए। तो देखो, ये कुछ ऐसा इशू आजकल हर वैकेंसी में मिलने लग गया है, देखने को मिलने लग गया है। ठीक है, तो हमें इनसे बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना है, हमें अपनी स्टडी को बिल्कुल कंटिन्यू रखना है, क्योंकि इनका हम कुछ नहीं कर सकते, इनका जो कुछ करेगी वो गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट रूल अपनाने चाहिए, और इनका जो ये पढ़ाई जो बहुत अच्छे से मेहनत करने वालों को जो नुकसान पहुँचा रहे हैं, ठीक है, तो इनका गवर्नमेंट को कुछ सॉल्यूशन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।